गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज टॉपिक नर्सिंग केयर ऑफ न्यू बॉर्न। स्टार्ट द टुडे अंडर यूनिट थर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्टार्ट इज की टर्म्स ऑफ द न्यूनेट या न्यू बॉर्न। स्टार्ट इज टर्मोलॉजी ऑल ऑफ न्यू बॉर्न। फर्स्ट ऑफ टर्मोलॉजी न्यूनेटल पीरियड फ्रॉम बर्थ टू अंडर 4 वीक्स या 0 to 27 days और 1 to 28 days, यानी फर्स्ट 28 days आफ्टर बर्थ, यानी न्यूबॉर्न जब पैदा होने के बाद के जो 28 days है उसको हम न्यूनेटल पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूनेटल पीरियड। न्यूनेटल पीरियड, पोस्ट न्यूनेटल पीरियड, पीरियड ऑफ इन्फेंसी फ्रॉम 28 weeks टू 365 days या 1 year से 1 year ऑफ लाइफ, यानी 28 वीक्स से लेके 1 साल की जो या 11 मंथ से 300% से कम वाले जो बच्चे होते हैं उनमें जो होने वाली जो डेथ है उसको हम पोस्ट न्यूनेटल पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2nd week 22 week ऑफ गेस्टेशन या फ्रॉम 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन या ओवर 1000 ग्राम ऑफ बर्थ टू 7 days ऑफ लाइफ ऑफ द बर्थ, यानी 28 वीक्स गेस्टेशन या 1000 ग्राम 1000 ग्राम में जो बच्चा पैदा होता है या 7 days ऑफ द लाइफ बर्थ, जो पैदा होने से लेके 7 days की जो पीरियड होता है वह प्रीनेटल पीरियड होता है। उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चे का जो वेट है वो 1000 से थोड़ा ऊपर हो सकता है। लाइव बर्थ ए प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ वेट ऑफ गेस्टेशन एज दैट आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द मदर शो एनी एविडेंस ऑफ लाइफ सच एज ब्रीथिंग, हार्ट बीट, पल्सेशन, अम्बिलिकल कॉर्ड और डेफिनेट मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, यानी बच्चे का जब पैदा होता है तब माँ को छोड़ने के उपरांत यानी जो ब्रीथिंग्स है, हार्ट बीट है, पल्सेशन है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, डिटरमाइंड मूवमेंट्स ऑफ सभी वॉलेंट्री मसल्स है, सभी का मूवमेंट सही प्रकार से होगा तब उसको हम लाइव बर्थ कहेंगे। नेक्स्ट है आपके फीटल डेथ। ए फीटल डेथ इज ए प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन दैट आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द मदर डज नॉट शो एनी एविडेंस ऑफ लाइफ, यानी मदर के छोड़ने के बाद बच्चे को किसी प्रकार का कोई एविडेंस शो नहीं होना, फीटल डेथ कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टील बर्थ या लेट फीटल डेथ। फीटल डेथ एज ए गेस्टेशन एज ऑफ 22 वीक्स मोर ऑफ वेटिंग वेगिंग 500 ग्राम और मोर एट बर्थ। स्टील बर्थ यानी मिसकैरेज जो 28 वीक्स ऑफ द वेगिंग या 500 ग्राम वेट होता है मोर एट बर्थ। नेक्स्ट है टर्म यूनिट। ए न्यूनेट बोर्न बिटवीन 37 and 42 weeks या 259 and 293 days ऑफ गेस्टेशन। न्यूनेट बोर्न बिटवीन 30 वीक्स कंप्लीट या 22 वीक्स कंप्लीटेड ऑफ प्रेगनेंसी इरेस्पेक्टिव ऑफ बर्थ वेट टर्म इज कॉल्ड एट टर्म न्यूनेट। सेकेंड है प्री टर्म बेबी। ए न्यूनेट बोर्न बिफोर पहले 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन इज रिस्पेक्टिव ऑफ द बर्थ वेट, यानी बिफोर 37 वीक्स से जो पहने वाली होने वाली बर्थ को हम प्रीटर्म बेबी में कहते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट टर्म न्यूनेट। ए न्यूनेट बोर्न इज गेस्टेशन एज ऑफ 42 वीक्स और मोर 294 डेज और मोर,
यानी पोस्टर्म न्यूनेट न्यूनेट बोन जो है वह 42 वीक्स से कंप्लीट है या 294 डेज से भी ज़्यादा होती है, बहुत होती है, उसको हम कहते हैं पोस्टर्म बर्थ वेट। नेक्स्ट है लो बर्थ वेट। ए न्यूनेट वेटिंग वेगिंग लेस देन 2500 ग्राम एट बर्थ इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेस्टेशन एज। नेक्स्ट है वेरी लो बर्थ वेट। ए न्यूनेटल वेट लेस देन 1500 एट बर्थ इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेस्टेशन एज। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट यानी ए न्यूनेट वेट लेस देन 1000 एट बर्थ इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेस्टेशन एज। न्यूनेटल मोर्टिलिटी डेथ्स ऑफ द इन्फेंट्स अंडर द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ पर 1000 लाइफ बर्थ पर ईयर। प्रीनेटल मोर्टिलिटी रेशियो नंबर ऑफ द प्रीनेटल डेथ स्टिल बर्थ एंड न्यूनेटल डेथ बिफोर 7 डेज ऑफ लाइफ पर 1000 लाइफ बर्थ। नेक्स्ट है एनोक्सिया। कंप्लीट लैक ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनोक्सिया। हाइपोक्सिया डिक्रीज एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। हाइपोक्सीमिया डिक्रीज आर्टिफिशियल कंसम्पशन ऑफ द ऑक्सीजन। इस्कीमिया इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू सेल्स एंड ऑर्गन रिजल्टिंग इन इंटरप्टेड मेटाबॉलिज्म एंड डेथ ऑफ द सेल एंड ऑर्गन इफेक्टेड। यानी इसी में ये होता है कि जो ब्लड सप्लाई ब्लड फ्लो है उसको कंप्लीट रूप से ऑक्सीजन या ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, इस कारण से जो सेल्स है वे वो मर जाती है, जिसके कारण से ऑर्गन इफेक्टेड होते हैं, इसमें इसीमिया कहते हैं। एस्पेक्सिया यानी लैक ऑफ ब्रीथिंग या लैक ऑफ इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज लीडिंग टू एस्पेक्सिया हाइपरकार्डिया या एसिडोसिस। पेरिनेटल एस्पेक्सिया रेफर टू कंडीशन एट ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर विच इन इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज लीड्स टू फीटल हाइपोक्सीमिया हाइपोक्सिया एंड हाइपरकार्डिया। न्यूनेटल एनसेफेलोपैथी क्लिनिकल टर्म एंड डिस्क्राइब एब्डोमिनल न्यूरो बिहेवियर स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ डिक्रीज लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस विद द विदाउट ब्रेन स्टीम और मोटर डिसफंक्शंस। यानी न्यूनेटल एनसेफेलोपैथी में ये किसी प्रकार की कुछ कॉन्शियस नहीं होती और ब्रेन स्टीम और मोटर डिसफंक्शन होते हैं सारे। हाइपोक्सिक इस्मिक एनसेफेलोपैथी न्यूनेटल एनसेफेलोपैथी विद ऑब्जेक्टिव डाटा और सपोर्ट हाइपोक्सिक इस्मी मैकेनिज्म द अंडरलाइन कॉज द फॉर द एनसेफेलोपैथी। यानी जो न्यूनेटल एनसेफेलोपैथी के जो है ऑब्जेक्ट डाटा है उसको सब जो उसके कारण से सब होते हैं उसको कहते हैं हाइपो इस्मी मैकेनिज्म एज द अंडरलाइन कॉज फॉर द एनसेफेलोपैथी। कंप्लीट इज द टर्मोलॉजी ऑफ द न्यूबॉर्न की टर्म्स एंड आई एम सेंड द रिटन नोट्स इन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू एवरीवन।